हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय सेकंड न्यू अमेजिंग व्लॉग। और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। भगवान को प्रार्थना करते हैं आज का दिन हमारा अच्छा रहे और हम लोग निकलते हैं हमारे गोडाउन के लिए। तो हमारे साथ मम्मी भी आ रही है गोडाउन पर, क्योंकि गोडाउन की सफाई बहुत दिन से नहीं हुई है, तो हम लोग जा रहे हैं गोडाउन की सफाई करने। सो गाइस, मैं लगा रहा हूँ मेरे बाइक पर मोबाइल होल्डर, और ये पुराना वाला है और ये हमने लगा दिया नया वाला। और पुराना वाला निकाला नहीं है, पर वो रहने देते, कभी काम आ जाएगा। हमारा ट्राइपॉड और ब्लॉगिंग टूल्स ये दे देते हैं मम्मी को पकड़ने के लिए। नाउ वी आर रेडी टू गो। आज रात की एक बेबी शावर वाली इवेंट भी है, तो उसकी प्रिपरेशन भी बाकी है, तो वहां पर जाके करेंगे। पहुंच गए गाइस हम लोग पुराने वाले घर पर, जिसको हमने गोडाउन बना के रखा हुआ है हमारा, और यहाँ पर ही हम सब सामान रखते हैं हमारा इवेंट का। और हम ये बाहर वाला रूम ही आज साफ करने वाले हैं, अंदर वाला कभी और करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है गाइज हमारे पास। शाम की इवेंट भी है, 10 o'clock रात को हमको पहुँचना है इवेंट में, और उसकी प्रिपरेशन भी अभी पूरी बाकी है। तो पहले हम लोग ये गोडाउन का क्लीन करेंगे, उसके बाद मैं प्रिपरेशन अपनी इवेंट की स्टार्ट करूँगा। तो इसमें आपको सब गाइज ऐसे ही पड़ा हुआ दिखेगा, पर इसमें बहुत सारी थिंग्स छुपी हुई है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चलेगा, जब हम सामान निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें से बहुत कुछ हमने थीम्स बनाई हुई है गाइस। तो सबसे पहले गाइस मुझे ये काम करना होगा कि हमारे डिज़ाइनर को मैटर भेज दूँ। शाम की बेबी शावर के इवेंट के लिए वेलकम बोर्ड चाहिए, तो वो डिज़ाइन बना के रखेंगे, तब तक हम लोग घर साफ कर लेते हैं। सफाई करने के लिए तो पहले पूरा सामान हमको बाहर निकालना पड़ेगा। मम्मी से मिलने के लिए हमारी बुआ भी आ गई है। हमारी बुआ गाइस हमको मिलने आई थी, और आते ही उन्होंने हमारी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। तो रात के इवेंट के लिए एक प्रिपरेशन हो गई है, हमारे डिजाइनर ने हमको डिजाइन बना के सेंड कर दी है, ये देखो। और ये मंगवाया है हमारे भैया ने, उनको खाना खाने के टाइम ये भी चाहिए खाने के लिए, तो दे दी उनको उनकी अमानत। मैं और मम्मी सुबह खाना खा के ही आए थे घर से, और पापा और भाई के लिए टिफिन लेकर आए थे। मम्मी ने तो काम चालू ही रखा, मुझे बिठा दिया है बाहर सामान की रखवाली करने के लिए। ये देखो, ये सारा सामान एक ही रूम में से निकला हुआ है। देखो यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है, खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो जाओ। मैं, मम्मी और बुआ, हम तीनों फिर से चालू हो गए काम करने के लिए। ये सारे है बेबी शावर के कटआउट्स, ये है मुंडन सेरेमनी के कटआउट्स, और ये है कैंडी थीम के कटआउट्स, और ये है जंगल थीम और स्पाइडर थीम के कटआउट्स। ये सारे कटआउट्स गाइस हमने बनाए। एक ये बेबी कटआउट है, ये हम लोग बेबी शावर में यूज करते हैं। 5 o'clock होते ही भाई लेके आया नाश्ता हमारे लिए। नाश्ता करके मैं निकल गया डायरेक्ट प्रिंट लेने के लिए, जो वेलकम बोर्ड की थी। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again. ये है हमारे डिजाइनर हितेश भाई, और ये है 31 डेट के लिए बेबी शावर का पोस्टर, और ये आज रात की इवेंट के लिए। हमारी सारी प्रिंटिंग होती है यहाँ पर, ये मशीन में, और यहाँ से मैं लेके निकल गया हूँ अपना बैन, जो वेलकम बोर्ड वाला, जो ऊपर बेबी शावर वाली डिजाइन थी वो भी प्रिंट नहीं हुई है। जब सुबह प्रिंट हो जाएगी तो हम दीपक भाई को बोल देंगे, वो आकर कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जाएंगे हम डायरेक्ट घर गोडाउन के पास।
बाद जो हुआ वो था अनएक्सपेक्टेड। तू पागल है। हाय हाय गाइस। मेरे से ज्यादा यही एक्साइटेड है। चल तो गाड़ी हमको रिवर्स डालनी पड़ेगी क्योंकि सामान हमको भरना है गोडाउन में से, इसलिए आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं इनको हम पीछे ले लें। देखो भाई ए और ए लोल के साथ ए ए सब है ना इनकी गाड़ी है। ये सबको YouTube चैनल चाहिए। ना बच्चे बोला जी बमली बताए बन जा जीरा। हां पर शांति नहीं है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड यही है। ए ओए पागल ले तो मेरे यहाँ से जाने के बाद मम्मी और भाई ने मिलके पूरा रूम सेट कर दिया हुआ है। तो इसके बाद मुझे बच्चों के हाथ से मोबाइल ले ही लेना पड़ा जो मैं नहीं चाहता था। इसके बाद सारा सामान ही बच्चों ने गाड़ी में रख दिया, बस मैं देता गया और वो यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी में रखते गए। यहाँ से हमने सारी चीजें ले लिए, बाकी की दूसरे घर पर है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ बलून्स लेने और भाई लेके आएगा वैन अंबावाड़ी वाले घर पर जो यहाँ से है 10 किलोमीटर दूर। तो बलून्स तो सारे मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए गाइस, पर पापा का फोन आया था और उन्होंने मुझे बुलाया कांदा कचौरी खाने के लिए। बाइक में पेट्रोल ही खत्म हो गया है गाइस, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। सो फाइनली पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। अब मुझे वेट करना पड़ रहा है दीपक भाई का, क्योंकि दीपक भाई को मैंने डायरेक्ट घर पर ही बुला लिया था पर उनके पास कोई व्हीकल ही नहीं थी आज, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। वो किसी और की गाड़ी पर आ रहे हैं और उनको यहाँ से लेके जाएंगे साथ में। तो गाइस दीपक भाई तो आ गए हैं। गाड़ी में से कुछ सामान हमको शिफ्ट करना है जो हम गाड़ी ले जा रहे हैं उसमें अभी। Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. पीछे वाली गाड़ी में से हमको जो जो सामान चाहिए था हमने सारा सामान रख दिया। अब जाएंगे ऊपर, ऊपर भी कुछ सामान है वो भी लेना है और टाइम बहुत कम है हमारे पास। I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
अभी हमको शास्त्री नगर पहुंचना है, वहां पे अक्षय भाई है, अक्षय भाई की गाड़ी में से कुछ और सामान है, वो सामान हमारे पास लेना है और उसके बाद हम लोग जाएंगे जो डेस्टिनेशन है वहां पर। अब यहां से मैप दिखा रहा है, कितने मिनट दिखा रहा है मैप है 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट में हम शास्त्री नगर पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां से कितना लोकेशन है, कितना किलोमीटर है वो अभी तक पता नहीं है, देखते हैं। What a view, view of Ahmedabad. गाइस अभी भी मुझे डर लग रहा है कि तो सामान रह ना गया हो घर पर, नहीं तो वापस डेस्टिनेशन से घर पर आना पड़ेगा, और वो है 30 मिनट का रास्ता है जो हमको जाना है इवेंट में वहाँ से घर तक का। तो अच्छा है कुछ रह ना गया हो तो मुझे याद आ जाए तो अभी अच्छा है। बनवा जाए स्कूल सरस हाय तो कही दे, हाय तो कर दे। तो अच्छा हुआ गाइस हम लोग गाड़ी लेकर के आ गए, अगर ऑटो में या कोई और दूसरी गाड़ी होती ना तो हम लोग भीग जाते, बारिश स्टार्ट हो गई और अभी टाइम हुआ है 9:52 हो गए, 10 o'clock को तो हमको पहुंचना भी है वहाँ पे, क्या पता क्या होगा कितने टाइम में पहुंचेंगे हम लोग, क्या पता। क्या लगता है दीपक भाई कितने टाइम में पहुंचेंगे? बस पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में, मैप तो यही दिखा रहा है। दीपक भाई का तो हर बार कोई भी काम हो 10 मिनट में पड़ जाएगा भाई, 10 मिनट में पड़ जाएगा भाई, ये भाई काम करते तो कोई जरूरत नहीं होती, 15 मिनट में तो काम साफ। वो लंदन भी होगा तो भी अहमदाबाद बोलेगा भाई 15 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाने का। पहुंचेगा नहीं, खाली 15 मिनट ही बताएगा बाकी मैप पे छोड़ने का, मैप भले 1 घंटा बता रहा है ना, लेकिन अपने को 15 मिनट बताने का, लेट नहीं बोलने का किसी को। काम करो काम करो, सुबह शाम दौड़ो, बस यही चल रहा है। और अक्षय भाई पता नहीं कहाँ है अक्षय भाई, लोकेशन यही दिया था अक्षय भाई ने, नहीं अक्षय भाई भी मेरे तरह 15 मिनट वाले ही है, बोलते 15 मिनट आते 15-20 लेट ही है। अरे नहीं यहीं पर ही होंगे, नहीं कहीं लगता है अभी अक्षय भाई पे वो GPS ट्रैकर लगाना पड़ेगा कहाँ पे जाते हैं। अक्षय भाई लोकेशन पर तो आ गए, अक्षय भाई दीदी फोन करो ना, फोन करो अक्षय भाई, वो कॉल लगाना पड़ेगा अभी, फोन करो अक्षय भाई, अक्षय भाई ने बोला था यहीं पर खड़े रहेंगे तो वो आगे खड़े हैं, बोला तो सही अक्षय भाई को GPS ट्रैकर लगाना पड़ेगा। कहाँ पे अक्षय भाई, ओ मिल गया, देखो देखो भाई मिल गया अक्षय भाई, यार डेंटन है देखो, पप्पा का रोड है बीच में ही गाड़ी खड़ी करने, हाय कर दो, हाय कर दो पहला, कौन है ब्लॉग है, अरे क्यार ना अक्षय भी आमड़े बद्दा, ए तारा मारा आज के सुगना जितला था बद्दा है भाई, हमें बे सेट बनाओ ना, ते तारा एक सेट यूज कर ले, आप बे दिवस भी ऑर्डर है ना, हम बे बे बनाओ ने, हां बराबर बॉक्स એટલે ત્યાં બધા આવી જાય તો તારી રીતે જોઈ લે ને, આ બી બે સેટ થાય આમાં અક્ષર હોય, અચ્છા એટલે એક એક લગાવી દેજો સેલો ટેપ પેરો ટેપ, બરાબર એ હા બાય તો કર દો, બાય છોકરાઓ મહેનત કરે છે બરાબર, લાઈક સપોર્ટ કોમેન્ટ હિન્દી હિન્દી લડકે લોગ સબ બહોત બઢિયા કામ કર રહે હૈ, સબકો લાઈક કોમેન્ટ ઓર સપોર્ટ કરના હૈ, ઠીક હૈ ફોલોઅર્સ બઢાઓ ભેજો છોકો ઘંટા બજાઓ જો કરના હૈ કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો ઇસકો। તો યે હૈ હમારે મોજીલે અક્ષય ભાઈ, અબ હમ લોગ પહોંચ રહે ફટાફટ ઇવેન્ટ મે, ચલ ભાઈ મલો, યે હા ભાઈ, સે અભી 7 કિલોમીટર હૈ जो हमारा लोकेशन है, और अक्षय भाई से सामान ले लिया सारा, और हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच के आपको सब दिखाएंगे। अभी डेस्टिनेशन है हमारी, नहीं डेस्टिनेशन पर पहुँचे नहीं है, पहुँचेगी अभी, वो मैप में चालू कर दिया है।
और ये डेस्टिनेशन में पहुंच गए है। ये है कोई बालाजी रेसिडेंसी 2। अब हम लोग जा रहे अंडरग्राउंड अहमदाबाद में आने भैरू क्या है भैरू चलो इस इज लैंग लोकल लैंग्वेज भैरू क्लाइंट भी आ गए हमारे क्या मुखी है फ्राइन लाइए ये आओ ओके ये फरा के लाने की है गाइस ये फरा के लाने की है मैं गुजराती और हिंदी हमारी मिक्स हो जाती है कभी कभी ये लगाई दिए उबर हिंदी लगाई दिए गाइस इवेंट हमारा पक गया है अब हम लोग थोड़ा चिल करने आए हैं क्या स्नैक्स खाने कुछ कुछ स्नैक्स खाने तो यहाँ से अभी हम घर जाएंगे घर हमारा है नहीं घर नहीं सॉरी मैं दीपक को रखने जाऊँगा और यहाँ से दीपक का घर है 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर और समथिंग है और वहाँ से फिर हमको मेरे घर जाना है तो वहाँ से और मुझे 12 किलोमीटर जाना है तो अभी रात के बज गए हैं 1 बज चुका है हाँ तो पता नहीं अब मुझे जाने में कितना वक्त लगेगा हमारे वॉचमैन भाई अमर सो गए होंगे अंदर मुझे ही जाके डोर ओपन करना है देखो यहाँ पर वॉचमैन भैया है ही कैबिन में जाके सो गए दीपक भाई को तो मैं उनके घर पर छोड़ कर आया था और अब मैं अपने घर पर आ गया हूँ और हम करेंगे गाड़ी यहाँ पर आगे पार्क और मैं भी जाऊँगा मेरे घर तो गाइस मुझे घर पर जाकर भी अभी एडिटिंग करनी है क्योंकि मुझे रोज़ डेली व्लॉग्स डालने तो मुझे एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा अभी घर पर जाके एडिटिंग करूँगा और फिर पता नहीं कितने टाइम में मैं सोऊँगा और कल सुबह भी वापस इवेंट है तो देखते हैं गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि मम्मी एडिटिंग करने देगी क्योंकि ऑलरेडी 2:30 हो गए गाड़ी तो हमने यहाँ पर पार्क कर दी है और इवेंट में से जो सामान बचा था वो मैं अभी घर पर लेके जा रहा हूँ सो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और शेयर सब्सक्राइब ना ना सब्सक्राइब तो भाई अपनी मर्जी है आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना सिंपल ओके देन बाय बाय और हाँ नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहना रेडी फॉर द नेक्स्ट न्यू अमेजिंग व्लॉग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय